नमस्कार, मैं जीएस गुरु आपका स्वागत करता हूं महिंद्रा गुरु के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग फिर बात करेंगे बिहार और बीपीएससी, यानी बिहार एसएससी और बीपीएससी पीटी दोनों को एग्जाम को टारगेट करते हुए। क्योंकि सबसे पहली ये थोड़ी सी लेट हुई है, लेकिन परेशानी नहीं, क्योंकि आज हम लोग जो 200 एमसीक्यू का जो टारगेट है, हम लोगों ने देखा था 21-22 क्वेश्चन पिछले क्लास में, और आज कोशिश करेंगे कि कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आज देख लें। तब क्या होगा कि आने वाले समय में जो पेपर है तब तक हमारी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जिनका एग्जाम कल है, क्योंकि अभी बिहार एसएससी की अगर बात करें तो 3 दिन पेपर चलेंगे, 8, 9 और 10। तो जिनका एग्जाम कल है उनके लिए सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी तो हो ही गई है। लेकिन जहां हैं, अगर आप सेंटर के लिए जा रहे हो तो मोबाइल पे, पता, ऑनलाइन एग्जाम देखने का सबसे बड़ी फायदा यही है ऑनलाइन एग्जाम का, और खासकर ऑनलाइन क्लासेस का, कि हम जहां हैं वहां शुरू हो जाए हमारी पढ़ाई। तो जिनका एग्जाम कल है बस पैनिक नहीं लेना है, जितना हमने पढ़ा है उसी को ध्यान में रखते हुए रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन सेशन की ओर। और याद होगा पिछले क्लास में एज ए क्विज के रूप में आपको छोड़े थे, एक क्वेश्चन क्विज के रूप में था और कई लोगों ने उसका जवाब सही दिया, कई लोगों ने गलत दिया। तो उस क्वेश्चन को पहले लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन 23, 24 जो भी होगा देखेंगे, ठीक है। देखिए भाई, कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर अभी ट्रेन पर हैं, वही तो कहा कि जहां हैं वहां शुरू हो जाएं, और स्नैपशॉट लेते जाना, क्योंकि अगर लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है तो हम स्नैपशॉट लें और फिर बाद में रिविजन कर लें, ठीक है। चलिए, यह क्वेश्चन था, द प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इन बिहार इज रन विद द हेल्प ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बिहार में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से चलाया जाता है? वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, द यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ। यही था। चलिए बताइए क्या होगा कि बिहार में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से चलाया जाता है। एकदम क्विक, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग देखें। देखो जवाब क्या होगा, यूनिसेफ के सहायता से बिहार में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलता है। यूनिसेफ के अगर हेडक्वार्टर की बात कर लें तो कहां, पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका मुख्यालय है। एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, कहां पे, मनीला, फिलीपींस की कैपिटल मनीला, और मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला, और भारत के लिए चावल जो अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, ठीक है। चलो, द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड वाज क्रिएटेड बाय द यूनिसेफ, यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी द्वारा बर्बाद किए गए देशों में बच्चों को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का गठन किया गया था। आई बात समझ में, यूनेस्को का मुख्यालय जो भी पहले कहा यूनेस्को, सॉरी देखिए यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क शहर, ठीक है। हाँ कुमार कौशल जी, सॉरी यूनेस्को का पेरिस और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, अब सही है। चलो क्वेश्चन नंबर टू, वेयर डिड द फर्स्ट चर्च ऑफ क्रिश्चियंस इन बिहार मेक, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहां बनाया गया, पटना सिटी, कहलगांव, बेहटा या आरा। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहां बनाया गया था, पटना सिटी में या कहलगांव या बिहटा या आरा। चलिए बताइए क्या होगा, आयुष मिश्रा का जवाब है पटना सिटी, बहुत बढ़िया, यानी बिहार में ईसाइयों का जो पहला चर्च है वो पटना सिटी में बनाया गया था। तो आज केवल जल्दी से वन लाइनर देखेंगे, यानी कह सकते हैं हम आज की क्लास को मैराथन, समझना। 22 क्वेश्चंस हमने पिछले क्लास में देखा, आज देखेंगे 23 से, और आज अप्रोक्स 40 क्वेश्चन है, और हमें कमेंट बॉक्स में आपके जवाब चाहिए, 40 क्वेश्चन में कितने आपके सही होंगे, 40 क्वेश्चन में कितने आपके सही होंगे, इज दैट क्लियर।
चलिए, वेन वॉज द ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया, 1928, 1930, 1932 या 1936? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया, 1928 में, 1930, 1932 या 1936? चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, क्योंकि इसका जवाब तो हमें सही चाहिए, क्योंकि कई पिछले क्लास में के दौरान भी मैंने चर्चा करा है इसका। भैया 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, कहां, लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता किए थे कौन, सहजानंद सरस्वती, यानी सहजानंद सरस्वती इसकी अध्यक्षता किए थे, और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहां पे हुआ, लखनऊ में हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन पाटलिपुत्र, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था, कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक या कनिष्क, समझना, यानी इसके पहले भी बौद्ध संगति हुई होगी, तभी तो है ये तृतीय बौद्ध संगीति। संगीति यानी क्या हो गया, बैठक, काउंसिल यानी बैठक कहते हैं ना हम लोग, तो तीसरी जो बौद्ध बैठक थी, संगीति थी, उसका आयोजन कहां किया गया था। आयुष मिश्रा जी कह रहे हैं सर अशोक, कई लोग कह रहे हैं काला शोक, अशोक, दोनों में कंफ्यूजन है। देखो बहुत बढ़िया अशोक, मैं ट्रिक दूं, भूलना नहीं कभी, टोटल चार काउंसिल हुए हैं, कितने हुए हैं, चार काउंसिल हुए हैं, कैसे इसको याद रखें, बहुत कंफ्यूजन है, हाँ कंफ्यूजन तो है, याद रखने का तरीका दो कैसे है। सबसे पहले हम लोग रखते हैं प्लेस, यानी जो स्थान हुआ, इसके बाद याद रखते हैं रूलर, शासक जो था, इसके बाद चेयरमैन, अध्यक्ष, समझना, स्थान, शासक, अध्यक्ष। अब कैसे इसको याद रखें, आर वी पी के, आर वी पी के प्लेस में क्या होगा, राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन कश्मीर। अब आ जाए रूलर में, ए के यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये होगी प्लेस, ये हो गया रूलर। अब आ जाए चेयरमैन, MSMV, देखना एक सांस में याद रहेगा, MSMV, महाकश्यप, साबक मीर, मोगलिपुत्तेस्य, वसुमित्रा, यानी अब हम इसे कैसे कंजुगेट करें, देखो प्लेस, रूलर, चेयरमैन, स्थान, शासक और अध्यक्ष, RVP के, राजगिरा पहला, वैशाली दूसरा, पाटलिपुत्र तीसरा, कुंडलवन कश्मीर चौथा। शासक में कैसे याद रखें, अजातशत्रु पहला, कालाशोक दूसरा, अशोक तीसरा, कनिष्क चौथा, और चेयरमैन में कैसे याद रखें, तो महाकश्यप पहला, साबक मीर दूसरा, मोगलिपुत्ते से तीसरा और वसुमित्र चौथा, याद रहेगा। अब आपको पीरियड भी याद करा दें, कैसे याद रखें, पहला 483 BC में जब बुद्ध की मृत्यु हुई, उसके बाद 100 साल के बाद 383 BC में, इसके बाद 251 BC में और फिर लास्ट 1st century AD में, यानी चारों का जो सिनेरियो है, चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, सब कुछ क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर हैड कंस्ट्रक्टेड द अस्तूप ऑफ सांची, सांचे के अस्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था, बिंबिसार, कनिष्क, अशोका या पुष्यमित्र सुंग, चलिए बताइए क्या होगा, क्योंकि याद रखो 3 दिन पेपर हैं बिहार SSC के और BPSC के, भैया जित बुद्धिस्ट काउंसिल से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप एकदम दिमाग में सेट कर ले, दिमाग में सेट कर ले, एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे उससे। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया, बिंबिसार फाउंडर था किसका, हर्यक वंश का, कनिष्क अगर बात करें तो 78 ईस्वी में एक शक एरा
कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक शक संवत बराबर 78 ईस्वी जिसकी शुरुआत कनिष्क ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स हैड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। चलिए बताइए कि इनमें से गुप्त किस गुप्त शासक के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि ली गई थी, क्योंकि भैया हिस्ट्री जो है बिहार के बिना अधूरा है, क्योंकि मौर्य वंश, गुप्त वंश, जितने सारे प्राचीन काल में जो वंश देखेंगे और मॉडर्न युग में जो गांधी जी का जो शुरुआत हुआ है राजनीतिक कैरियर कहें या स्वतंत्रता आंदोलन की जो बीज पड़ा है वो कहां, बिहार में ही। चंद्रगुप्त द्वितीय, काफी कंफ्यूजन होगा जब एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, वन है कि टू है, तो विक्रमादित्य यानी टू। और इतिहास का पहला शासक संभवता, कहीं लिखा हुआ मिलता नहीं है किसने लिया पहला टाइटल, लेकिन संभवता कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो आ रही बात समझ में, चलिए चंद्रगुप्त सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर फ्लोइंग इन द साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार विच इज ग्रोविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच इज फाउंड इन द गंगाज, बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में जो गंगा में मिलती है, समझना, सोन, पुनपुन, फलगु, सकरी, सोन, पुनपुन, सकरी या फलगु, सोन, फलगु, पुनपुन या सकरी, या फलगु, सोन, पुनपुन या सकरी। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं सर टू ऑप्शन नंबर, चलो देखिए क्या जवाब है। चलो आपस में चैट ना करो, जल्दी से जवाब दो, क्या होगा, सोन, पुनपुन, फलगु और सकरी। भैया सबसे पहले सोन निकलता है अमरकंटक से और ये पटना के पास मिलेगा, इसके बाद पुनपुन, इसके बाद फलगु, इसके बाद सकरी, ठीक है। तो फलगु के पहले पुनपुन मिल जाती है, इसके बाद फलगु। फलगु से एक चीज याद आया, ये पुरानी ऐतिहासिक नदी है जिसका पुराना नाम निरंजना नदी, और इसी नदी के किनारे बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, वेयर इज द अजगैवीनाथ टेम्पल लोकेटेड इन बिहार, बिहार में अजगैवीनाथ मंदिर कहां स्थित है, सोनपुर, पाटलिपुत्र, बोध गया, सुल्तानगंज। विवेक पांडे जी पीडीएफ जरूर मिलेगा, पहले क्लास तो कर ले, देखो यही हम बच्चे की जो क्वेरी है, सर पीडीएफ मिलेगा, भैया जवाब तो, अच्छा पीडीएफ क्या करोगे लेकर, पीडीएफ लेकर क्या करेंगे, हमें पास करने से मतलब है या पीडीएफ से, भाई हमें रिजल्ट करने से मतलब है ना, तो कोशिश करिए दिमाग में सेट करने का। बिहार में अजगैवीनाथ मंदिर कहां स्थित है, सुल्तानगंज के पास, सुल्तानगंज जो भागलपुर के पास है, कहां पे, सुल्तानगंज में। तो अजगैवीनाथ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इज लोकेटेड इन सुल्तानगंज टाउन इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, भगवान शिव का अजगैवीनाथ मंदिर बिहार के भागलपुर जिले के एक शहर सुल्तानगंज में मौजूद है, सुल्तानगंज में स्थित है। इट इज ऑल्सो नन एज गैवीनाथ महादेव, इसे गैवीनाथ महादेव के नाम से भी जाना जाता है, या दुर्लभ प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है जहां भगवान शिव स्वयंभू के रूप में अस्तित्व में थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दीज प्लेसेज इज एसोसिएटेड विद प्लेस लाइक नालंदा, कुरकिहार एंड अंतिचक्र एक्सेट्रा, नालंदा, कुरकिहार और अंतिचक्र इत्यादि स्थानों का संबंध किस क्लास से है, पाल स्कूल ऑफ आर्ट, मौर्यन स्कूल ऑफ आर्ट, बोथ या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए ये सब जो स्थान है इनका संबंध किस कला से है, पाल कला से है, पाल स्कूल ऑफ आर्ट से है। पाल वंश की अगर हम बात करें तो पाल वंश की स्थापना की गई थी गोपाल के द्वारा, पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में कहां की गई थी, बंगाल में।
यानी बंगाल में गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की गई थी। और एक क्वेश्चन में जोड़ दूं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, धर्मपाल के द्वारा स्थापना की गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, हु वॉज द फेमस वाइस चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? चाणक्य, प्रभामित्र, नागार्जुन या शीलभद्र? चाणक्य, आ रही आवाज? चलो, साउंड कहां आ गई? साउंड, चलो परेशान ना हो। ठीक है, देखो कहा क्या, वहाबी आंदोलन के अनुयायी अपने आप को किस नाम से पुकारते हैं? अहले हदीस के नाम से। आ गई साउंड? चलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। द गांधी म्यूजियम लोकेटेड इन पटना वाज एस्टेब्लिश्ड, पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1967, 1949, 1936 या 1961? भैया आवाज तो आ रही है, बच्चे तो कह रहे हैं, बताओ। कितने लोगों को आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखें सर आवाज आ रही है। पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सॉरी, 1967 में की गई थी। कब की गई थी? 1967 में। क्वेश्चन नंबर 34, अभी कुछ देर पहले कहा, एट विच टाइम डिड नालंदा यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? मौर्यन पीरियड, मिडेवल, गुप्ता पीरियड या मुगल पीरियड? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में की गई? मौर्य काल, मध्य काल, गुप्त काल या मुगल काल? देखो याद रखना, बिहार एसएससी का पेपर है, बीपीएससी का भी पेपर है 16 दिसंबर। तो भाई बीपीएससी इस बार से अपडेट हो गया है। पहले क्या होता था ना, पीटी की वैकेंसी आती थी, दो साल में प्री हुआ, मेंस हुआ। सर अपना जोर लगा दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं के हाल पे तैयारी करनी होगी, तभी हमारी झंडा बुलंद होगा सिलेक्शन का। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा, या कभी कभी लिखेगा मिला हुआ मिलता है लिखा हुआ कुमार गुप्त फर्स्ट। तो कुमार गुप्त कहें या कुमार गुप्त फर्स्ट कहें, डजंट मैटर, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। और गुप्त वंश की स्थापना की गई थी श्री गुप्त के द्वारा, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा। और गुप्त वंश का जो चिन्ह था वो क्या है? गुप्त वंश का चिन्ह है गरुड़। क्या है? गरुड़। क्यों? क्योंकि गुप्त वंश के लोग शासक वैष्णव रिलीजन को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। और कहा जाता है कि विष्णु का जो गरुड़ माना जाता है, लक्ष्मी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, हु वॉज द फर्स्ट ट्रेवलर टू विजिट बिहार, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? विनसंग, मेगास्थनिज, फाहियान या इत सिंह?
चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। बिहार की यात्रा करने वाला पहला यात्री मेघासनी है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब कई लोग पता है क्या करेंगे, वेन सांग भैया पहला चाइनीज यात्री है, पहला चाइनीज यात्री फाहियान, वेन सांग नहीं, पहला चाइनीज यात्री फाहियान था जो भारत की यात्रा किया है। ठीक है, मेगास्थनीज एंड अम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड रोट एंड इंटरेस्टिंग बुक इंडिका। आता ना क्वेश्चन, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा। तो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया और एक दिलचस्प किताब लिख दिया इंडिका, जिसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का एक स्पष्ट विवरण दिया है। अब कितने क्वेश्चन निकल कर आए? इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आ रही बात समझ में? चलिए देखिए, रोहित सक्सेना ने लिखा है, सर ग्रुप डी में आपकी वजह से पेपर अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बस आपका सिलेक्शन और हमारी जीत, यही तो है हमारा टैगलाइन, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। आगे देखिए, फाहियान यानी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान फाहियान भारत आया, और ये पहल, अरे बात समझ में, ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया टू कलेक्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड रिलिक्स, यानी पहला चाइनीज यात्री फाहियान था जो भारत आया है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में। कितने सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे, बस डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे निकालें। ठीक है, देखो आगे, अब आ जाओ वेन सांग। वेन सांग से क्वेश्चन क्या बनेगा कि वेन सांग कहां का यात्री था, चाइनीज यात्री था, किसके समय भारत आया? हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ठीक है, और इत सिंह, इत सिंह वाज चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया इन कनेक्शन विथ बुद्धिज्म, इत सिंह चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म के संबंध में भारत का दौरा किया है। आगे देखिए, द कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज, बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? किशनगंज, कैमूर, गया या मुजफ्फरपुर? देखो भैया, एक बिहारी बाबू है, कह रहा है सर मेरा एग्जाम है, डर लग रहा है। भैया काहे का डर, डर काहे का सो बताइए, जब एग्जाम आपकी है ना, किसी दूसरा का तो है नहीं। बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, रिजल्ट नहीं होगा। सर डर के जाएंगे तो पता है हम जो हमारा अपना परफॉर्मेंस होगा वो भी खराब हो जाएगा, इसीलिए कुछ नहीं, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचिए अच्छा होगा। देखो रोहित सक्सेना ऐसा ही कर रहा है, सर मेरा क्या होगा, बच्चे बंदे कॉन्फिडेंस देखो, कह रहा है सर एग्जाम अच्छा गया है। देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे, ठंडा जिला गया, गर्म जिला गया, और एक बताऊं, सबसे ज्यादा मच्छर भी गया, सबसे ज्यादा गंदा भी गया। देखो भाई कितने सारे निकलेंगे, मैं डिस्ट्रिक्ट का बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन खूबी है, विशेषता उसकी, सबसे ठंडा जिला गया, सबसे गर्म जिला गया, और सबसे गंदा जिला भी कौन गया, जबकि गया के बारे में कहा जाता है ज्ञान की नगरी है, जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किनको? गौतम बुद्ध को, है ना। वेन वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम नालंदा इन बिहार, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? 1915, 1916, 1917 या 1919? ये कुमार कौशल जी कह रहे हैं सर गंदा नहीं है, चलो मान लूं मैं, है ना। चलो बताओ क्या होगा, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना की गई थी। याद रखने का तरीका देखिए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, याद कैसे रखें? चंपारण सत्याग्रह को याद करते हुए पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना नालंदा में की गई थी। देखो रिलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं याद रखने के लिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ पता है? पहला सत्याग्रह गांधी जी का 17 में, तो याद रखना है कि गांधी जी की धमक 17 में पड़ी बिहार में, और उसी को याद रखते हुए पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा में स्थापना की गई थी।
ठीक है चलो। वेयर इज द कला भवन लोकेटेड इन बिहार, बिहार में कला भवन कहां स्थित है? गया, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर। बिहार में कला भवन कहां स्थित है? और यूपी में कला भवन कहां है? बनारस में। यूपी में कला भवन बनारस में स्थित है। चलो यूपी के बच्चे होंगे उनको भी फायदा हो जाए, ठीक है। और बिहार में कला भवन पूर्णिया में स्थित है। तो बिहार में कला भवन पूर्णिया, यूपी में कला भवन बनारस, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 437 किलोमीटर या 332 किलोमीटर? बच्चे कह रहे हैं सर इसका फर्स्ट पार्ट का पीडीएफ कहां मिलेगा? देखो वीडियो के नीचे लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाओगे तो वीडियो के नीचे पार्ट वन करके मिलेगा, पार्ट वन को क्लिक करोगे तो पहुंच जाओगे वीडियो पे, वीडियो के नीचे जाओगे तो मिल जाएगा आपको पीडीएफ। अरे सिंपल तो आसान है। 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, याद होगा पिछले क्लास में करा चुके हैं उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी क्या है, सो फिर मैं आपको रिमाइंड कराऊं कि 345 किलोमीटर, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बिहार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? चलिए जल्दी बताइए। भाई बताओ कितने कम लोग जुड़े हैं। आप लोग कहा सर बिहार एसएससी के लिए लेकर आए, तो भाई जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं आप उनको अपना लिंक शेयर कर दीजिए ना, बता दीजिए कि सर क्लास स्टार्ट हो गई है। और यहां तक ऐसा नहीं है कि बिहार एसएससी खत्म हुआ और क्लास बंद हो गई। बीपीएससी पीटी 16 दिसंबर को है, सुन ले जिनका जिनका बीपीएससी पीटी है, मंडे को फिर क्लास लगेगी क्योंकि एमडब्ल्यूएफ सीरीज है हम लोग की श्रृंखला, तो मंडे को फिर क्लास लगेगी बीपीएससी पीटी को देखते हुए, ठीक है। वेस्ट बंगाल कैसे याद रहे, ये हो गया मैप, यहां नेपाल, पश्चिम में यूपी, पूर्व में वेस्ट बंगाल और दक्षिण में झारखंड, यही तो है। द मुस्लिम्स इफ सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, हु रोट इट। यदि मुस्लिम संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का सबसे बड़ा बल बन जाएगा, या किसने लिखा? हर्बर्ट रिसले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर या एच एन ब्रैसफोर्ड? चलिए बताइए क्या होगा। यदि मुस्लिम संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का सबसे बड़ा बल बनेगा, किसने लिखा था? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने यह कहा था कि यदि मुस्लिम संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का सबसे बड़ा बल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इनका समर्थन मिल जाएगा किनको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को इसका समर्थन मिलेगा, ठीक है। चलिए, हु ड्रॉ महात्मा गांधी अटेंशन टुवार्ड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स बाय यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। यूरोपीय इंडिगो प्लांटर्स द्वारा किसानों के शोषण के प्रति महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ला, स्वामी शाहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा। चलिए बताइए कि यूरोपीय इंडिगो प्लांटर्स द्वारा किसानों के शोषण के प्रति महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजन राज का सबसे पहला जवाब आया राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कंफर्म हो? श्योर? बहुत बढ़िया भाई, समझना, इन्हीं के आमंत्रण से 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है और लखनऊ पैक्ट में राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी से मिलते हैं और कहते हैं भैया बहुत बुरी स्थिति है, तो तीनकठिया पद्धति, जो नील के खेती के लिए परेशान थे बिहार के किसान, इसलिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया, तब जाकर 1917 में चंपारण सत्याग्रह देखने को मिला, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो राजकुमार शुक्ला। एक क्वेश्चन पता है, मैं आपको बताऊं, 2011 बीपीएससी का प्री था, समझना,
2011 बीपीएससी का प्री था, क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि राजकुमार शुक्ला का संबंध किस गांव से है? मुरली भरहवा, मुरली भरहवा गांव से राजकुमार शुक्ला जी का संबंध रहा है। तो देखो क्वेश्चन डीपली आते हैं, खासकर बीपीएससी के अगर हम पॉइंट व्यू से देखें, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के व्यू से देखें तब, ठीक है। चलो, हु वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? नामदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह। हाँ, चंपारण, ट्विंकल गुप्ता जी सही कहा आपने, वो चंपारण में है ना। चलिए बताइए क्या होगा, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह, कहां? आरा, भोजपुर, बिहार। यानी जब 1857 का रिवोल्ट होता है तब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांतिकारियों ने झंडा बुलंद किया, वैसे ही बिहार में एक क्रांतिकारी थे बाबू कुंवर सिंह जो जमींदार थे, इन्होंने आरा भोजपुर से झंडा बुलंद किया था। जैसे आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे अवध ले लें, लखनऊ ले लें बेगम हजरत महल, कानपुर ले लें नाना साहब, अरे बातें समझ में, तो वैसे ही बाबू कुंवर सिंह बिहार। अगर देखोगे बिरसा मुंडा आंदोलन तो ये चले जाओ झारखंड में, जो 1895 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा आंदोलन, बिरसा मुंडा कहां? झारखंड। क्वेश्चन नंबर 44, एट वन टाइम इन इंडिया, भारत में एक समय में लिमिटेड नक्सलिज्म इन वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश हैज नाउ स्प्रेड टू दीज स्टेट्स। भारत में एक समय में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है, समझना। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ऑप्शन टू, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, ऑप्शन फोर, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, गुजरात। चलिए बताइए, हाँ झांसी की रानी कह सकते हो, देखो बहुत सारे आंदोलनकारी थे ना, तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको। क्या होगा जवाब इसका, देखो भाई तमिलनाडु काहे चले जाओगे, साउथ में, नॉर्थ में ही होगा ना गुरुजी। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट, पता है, आई नो, मैं आपको बताऊं, झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट में 18 जिला नक्सल प्रभावित है, 18 जिला नक्सल प्रभावित है, और नक्सल का जो उदय हुआ, उपज हुआ, पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से, नक्सलबाड़ी से इसका जन्म हुआ था। चारू मजुमदार, चार लोग थे, ठीक है। चल, वेन वॉज द बिहार नेशनल लैंग्वेज काउंसिल पटना स्टेब्लिश्ड, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1930, 1940, 1950। देखिए, विकलियम सिक्यू बाय जीए गुरु, याद रहे 10 दिसंबर को होगा ये, कहीं ना कहीं, समझना, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के लिए आपको बेनिफिट करेगा, कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स के लिए बेनिफिट करेगा, तो जुड़ना ना भूलें 10 तारीख को दोपहर 12 बजे, ठीक है। चलिए, 1950 में भारत की आजादी हुई, 1950 में संविधान लागू हुआ, और फिर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना की गई थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर संथाल रिवोल्ट अकर्ड इन बिहार, बिहार में निम्नलिखित में से किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ? 1831-32, 1844-46, 1851-52 या 1855-56। चलिए 46 नंबर बताइए क्या होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बताइए जवाब क्या होगा इसका। अब देखो इसमें से ना याद होगा, संथाल विद्रोह झारखंड, लेकिन 1855-56 की बात है तो ये बिहार था, समझना क्वेश्चन कैसे घूमेगा। अभी ये झारखंड में पड़ता है संथाल, संथाल परगना, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बिहार में है तो बनाना पड़ेगा, वर्तमान समय में ये
झारखंड में है, ठीक है। चलो, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम कंकर ऑफ बिहार, बिहार के पहले मुस्लिम विजेता कौन थे, मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिस, बख्तियार खलजी या अली मर्दान खलजी। बिहार के पहले मुस्लिम विजेता यानी मुस्लिम आक्रमणकारी भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम आक्रमणकारी भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिहार के पहले मुस्लिम विजेता कौन थे? देखिए, अरशद खान का जवाब आया सबसे पहले बख्तियार खिलजी, शशि राठौर ने भी कहा, मनीषा श्रीवास्तव, प्रियंका कह रही है गलत, बख्तियार खिलजी। बहुत बढ़िया, देखो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था तो बख्तियार खिलजी ही पहला आक्रमणकारी था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दिया था। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को लूटने वाला, आग लगाने वाला, नेस्तानबूद करने वाला, नष्ट करने वाला आक्रमणकारी कौन? बख्तियार खिलजी। तो भैया जब नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाया तो जाहिर सी बात है यही होगा, आ रही बात समझ में? तो बख्तियार खिलजी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वर्डर ऑफ बिहार, पहले आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, ठीक है। विच ऑफ द फाइव ईयर प्लान पीरियड वॉज बिल्ट इन बिहार बरौनी वाइल्ड रिफाइनरी, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? चलिए बताइए क्या होगा। हाँ, राजन राजी कह सकते हैं मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, पूरा नाम उसका। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना। बहुत बढ़िया, देखिए आयुष मिश्रा का जवाब आया तीसरी, बहुत सही। पहली 51 से 56, दूसरी 56 से 61 और तीसरी 61 से 66। 61 से 66, अरे बस समझ में? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किया गया था। अब हो सकता है पीरियड पूछ दे कि इनमें से किसमें किया गया, तो आपके सामने पीरियड भी शामिल है। इसकी स्थापना कब की गई थी पंचवर्षीय योजना की, तो 15 मार्च 1950 को फाइव ईयर प्लान का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते थे। क्यों? क्योंकि अब पंचवर्षीय योजना यानी फाइव ईयर प्लान की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई कब, 1 जनवरी 2015 को। बरौनी रिफाइनरी इन द बिहार वॉज बिल्ट इन कोलैबोरेशन ऑफ, अब एक क्वेश्चन और आएगा, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके मदद से बनाया गया, सोवियत संघ के मदद से। देखिए पूर्णिमा वस्करी सर मैं भी जवाब दे रही हूं, हाँ पूर्णिमा जी आप भी जवाब दे रहे हो, आप भी जवाब दे रहे हो, कहां कह रहे हैं? तो सोवियत संघ के मदद से बनाया गया था 1964 में, कितने करोड़, लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत आई थी, यानी 49.4 करोड़ रुपए, अरे बात समझ में? सोवियत संघ के मदद से बनाया गया था। हु इज नन एज जननायक, जननायक के नाम से किसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, कर्पूरी ठाकुर, भागवत झा आजाद। चलिए अरविंद गुर्जर जी कह रहे हैं सर हम भी, जननायक के नाम से किसे जाना जाता है, चलिए बताइए क्या होगा। अरशद खान कह रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, लोग कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण, बहुत कंफ्यूजन। जयप्रकाश नारायण पता है जननायक नहीं है, वो क्या है, लोकनायक, दोनों में डिफरेंसेस है गुरु सर। ये जननायक है और ये लोकनायक है, पीपल्स हीरो। तो जैसे ही जयप्रकाश नारायण का जिक्र आता है हम उसे लोकनायक जानते हैं, ना कि जननायक। जननायक की बात करेंगे तो कर्पूरी ठाकुर, और लोकनायक की बात करेंगे जयप्रकाश नारायण, और बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, अरे बात समझ में? चलिए, विच रिवर ऑफ बिहार इज मोस्ट एट रिस्क ऑफ द फ्लड, बिहार की किस नदी से बाढ़ का खतरा सर्वाधिक रहता है, बागमती, कोसी, घाघरा, गंडक, कई बार क्वेश्चन आता है ये,
देखिए भैया कुमार महतो जी कह रहे हैं सर चकमा। भैया क्यों चकमा, आप खुद चकमा खाए हो ना। अब जननायक लोकनायक जननायक खुद कंफ्यूजन कर क्रिएट कर रहे हो। यही तो गड़बड़ है। पूर्णिमा जी कह रही है सर याद था बट ऑप्शन में गलत। यही होता है जब एग्जाम हॉल में, पता है हम हड़बड़ी में रहते हैं और यही गलती करते हैं एग्जाम हॉल में। इसलिए देखो लास्ट मिनट टिप समझ लो हमारी, जो एग्जाम में आए वही क्वेश्चन करें, ना आए स्किप करें, वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बेटर है निगेटिव वाले एग्जाम में। अदरवाइज पता है पछताने के अलावा हमारे पास कोई चारा होता ही नहीं है। देखो ये कोसी, ये तो सर्वविदित सत्य है कि कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, द सॉरो ऑफ बिहार। क्यों? क्योंकि भैया कोसी तबाही मचाती है, विश्व की उन नदियों में से है जो सर्वाधिक रास्ता बदलती है अपना, यानी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाले नदी भी जाना जाता है बिहार में इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपब्लिक ऑफ बिहार ओन बाय अजातशत्रु, बिहार के निम्नलिखित गणराज्य में से अजातशत्रु ने किसे जीता था? मिथिला, वज्जी, लच्छवी, कौशाम्बी। चलिए सूरज कुमार जी कह रहे हैं सर भागलपुर में। बहुत बढ़िया, भागलपुर में गंगा मिलती है ना, कोसी गंगा में कहाँ मिलती है, भागलपुर के पास मिल जाती है। सबसे पहले अजातशत्रु ने किसे जीता? वज्जी को जीता था। अजातशत्रु ने किसे जीता? वज्जी को जीता था, ठीक है याद रहेगा। चलो हु कंपोज द वर्क ऑफ मैथिली पोएट्री डिमोलिश्ड होयत शांति स्तूपा, मैथिली काव्य ध्वस्त होयत शांति स्तूप की रचना किसने की थी? कृति नारायण मिश्र, जयमंत मिश्र, लोचन झा या नानेदेव। अब बताओ हलवा क्वेश्चन है, जवाब दो इसका। अभी तो कह रहे थे बच्चे उछल उछल के सर हलवा क्वेश्चन है, अब बताओ ये तो हलवा क्वेश्चन होगा ना आपका। मैथिली काव्य ध्वस्त होयत शांति स्तूप की रचना किसके द्वारा की गई थी? कृति नारायण मिश्र। कृति नारायण मिश्र के द्वारा ध्वस्त होयत शांति स्तूप की रचना की गई। हु हैड सेड अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य राजप्रसाद, दिस ऑफरिंग इज नॉट अ ह्यूमन क्रिएशन बट इज क्रिएटेड बाय गॉड्स। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद, राजप्रसाद यानी पता है क्या होता है? महल, राजमहल राजाओं का। तो चंद्रगुप्त के मौर्य के राजमहल यानी राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? वेनसांग, मेगास्थनिज, फाहियान या चाणक्य। चलो बताओ क्या होगा। कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? पता है कई लोगों को लगेगा मेगास्थनीज, क्यों? मेगास्थनीज आया और कह दिया, बाद में जब उत्खनन हुआ और फायान आए पहले चाइनीज यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, तब ये कहते हैं उनके बिल्डिंगों को देखकर कि सर ये मानव कृत है ही नहीं, मनुष्य से बना ही नहीं सकता है, इतना विशाल था, ये देवों द्वारा निर्मित है। चाणक्य ना प्रधानमंत्री था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसका अन्य नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त, जिसने अर्थशास्त्र लिखा और अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की राजनीतिक जानकारी मिलती है, प्रशासनिक जानकारी मिलती है। कई बार क्वेश्चन पूछेगा आपको कि वो अर्थशास्त्र से हमें कैसी जानकारी मिलती है, प्रशासनिक या राजनीतिक। अकॉर्डिंग टू डैश पाटलिपुत्र वाज इनहेबिटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ सोन एंड गंगा। डैश के अनुसार पाटलिपुत्र सोन और गंगा के संगम पर बसा हुआ था। वेनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान या चाणक्य। चलिए बताइए क्या होगा। किसके अनुसार पाटलिपुत्र सोन और गंगा के संगम पर बसा हुआ था? मेगास्थनीज कहता क्या है कि पाटलिपुत्र जिसकी स्थापना उदाइन ने की थी सोन और गंगा के संगम पर बसा हुआ है, ठीक है। हु डिजाइन द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मूल प्रति किसने डिजाइन की थी? नंदलाल बोस, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, महावीर प्रसाद वर्मा, शांति देवी। नंदलाल बोस जो एक चित्रकार थे,
जो एक चित्रकार थे। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इनमें से कौन से चित्रकार हैं, कौन से पेंटर हैं, तो नंदलाल बोस एक चित्रकार थे जिन्होंने भारतीय संविधान की मूल प्रति की डिजाइनिंग करी थी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सामा चकेवा का संबंध किस रिश्ते से है? ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन, मदर एंड सन, माता और पुत्र, हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी, फादर एंड सन, पिता और पुत्र। चलिए बताइए सामा चकेवा का संबंध किस रिश्ते से है? सामा चकेवा का संबंध भाई और बहन से है। क्यों? क्योंकि ना मिथिला में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ठंड में। देखो सामा चकेवा और साम चकेवा इज अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार। सामा चकेवा या सम चकेवा एक हिंदू त्यौहार है जिसे बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। ये क्या है? इट इज अ फेस्टिवल ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या भाइयों और बहनों का त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन नवंबर एंड कमेंसेस दैट बर्ड्स बिगिन देयर माइग्रेशन फ्रॉम द हिमालयस डाउन टुवर्ड्स द प्लेन्स ऑफ इंडिया। यह नवंबर में मनाया जाता है और तब शुरू होता है जब पक्षी हिमालय से निकलकर यानी ठंड से निकलकर भारत के मैदानों की ओर बढ़ते हैं। तो ये थी लाइव पीएसएस। देखो याद रहेगा आज लाइव पीएसएस है किसकी? जनरल स्टडीज की। तो जो भी क्वेरी है आपकी, चाहे आप बिहार एसएससी से रिलेटेड हो, बीपीएससी से रिलेटेड हो, क्योंकि देखो दो एग्जाम लगातार है, तो जुड़ना ना भूलें 8 PM में। हम आपके लाइव सेशन में आपके क्वेश्चन लेंगे और फिर क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नॉट फाउंड इन बिहार। निम्नलिखित में से कौन से मिट्टी बिहार में नहीं पाई जाती है? रेड सॉइल, अलुवियल सॉइल, बल्थर सॉइल या ब्लैक सॉइल। बिहार में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? चलिए बताइए क्या होगा? बल्थर मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी? भैया काली मिट्टी पाई जाती है बिहार में नहीं। क्यों? क्योंकि ये काली मिट्टी की बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो मैग्मा जमा हो जाता है ना मैदान में, उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है, उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी भारत में कहां कहां पाई जाएगी? देखो मैं एक ट्रिक बता दूं। मामा का गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है और इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। जो कपास की खेती के लिए काफी बेनिफिट है, ठीक है? कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच रूलर। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक। चलिए बताइए कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? अभी कुछ देर पहले आपको हिंट दिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। कहां? मगध में, मगध साम्राज्य में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 59। मुंगेर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। मुंगेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, सोन, गंडक, कोसी। देखो गंगा नदी के किनारे मुंगेर बसा हुआ है। कहां पे? गंगा नदी के किनारे मुंगेर बसा हुआ है, ठीक है? चलिए द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी कुछ देर पहले बताया आपको, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या हर्षवर्धन। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त या कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है? नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय कुमारगुप्त फर्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया। समझना नालंदा क्या है? नालंदा वॉज एन एक्लेम्ड महाविहार, अ लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन द एंशियंट किंगडम ऑफ मगध, जो मॉडर्न डे बिहार इन इंडिया। नालंदा एक प्रशंसित महाविहार था जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध में एक बड़ा बौद्ध मठ था।
अब कुमार गुप्त के बारे में थोड़ी सी जान लें। कुमार गुप्त फर्स्ट, जिसे हम शक्रादित्य या महेंद्रदित्य भी कहते हैं, 415 से 455 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का सम्राट था। वह अपने पूर्ववर्ती चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र था, इसीलिए इसे ध्रुव स्वामिनी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। इन विच इंडियन सिटी वुड यू बी इन इफ यू वर रीडिंग न्यूज पेपर्स इन द खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी? यदि आप खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो आप किस भारतीय शहर में होंगे? पटना बिहार, रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, या कोलकाता वेस्ट बंगाल? चलिए बताइए क्या होगा। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना बिहार में मौजूद है, पटना बिहार में मौजूद है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी इज वन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरीज ऑफ इंडिया। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालयों में से एक है, जिसकी स्थापना 1891 में की गई थी। किसके द्वारा? खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा। किसके द्वारा? खान बहादुर खुदा बख्श। एक और क्वेश्चन बन गया आपको। इट इज गवर्न्ड बाय, अब यह बिहार के गवर्नर के द्वारा एक बोर्ड से शासित होता है, जो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होंगे? गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, तथा यह फारसी और अरबी पांडुलिपियों के दुर्लभ संग्रह के लिए जाना जाता है। तो ये थे आज के लास्ट क्वेश्चन। अब समझना, पेपर कल है, समय मिलेगा आपको, तो रेलवे वाली जो क्लास है ना, उसे जरूर जुड़िए। इसलिए जुड़ने के लिए कहेंगे क्योंकि गाइस कई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको जो बिल्कुल एसएससी बिहार या बीपीएससी में हेल्पफुल करेगा, हेल्पफुल करेगा। इसीलिए एक बार अगर आप नहीं जुड़े हैं कभी, तो एक बार वीडियो के साथ जुड़िए, आपको खुद समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन की जो ये क्वालिटी है, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है या वैसे ही है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिनका एग्जाम कल है या परसों है उनके लिए मेरे तरफ से, यानी हमारे पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दीजिए, बस हमेशा बी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव सोचकर एग्जाम हॉल में इंटर करें। बाकी बात, अगर हम मेहनत किए हैं तो हमसे हमारा रिजल्ट कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने स्किप किए, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे रेलवे वाले क्लास में 7 से 8। तब तक के लिए आपको छोड़कर जाते हैं यहीं, और जिनको पीडीएफ के लिए चाहिए पिछली क्लास की, तो देखोगे वहीं पे लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहां तो पार्ट 1 करके क्लिक करोगे, तो पार्ट 1 जैसे वीडियो के नीचे जाओगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलेंगे फिर से इसी समय आपके फेवरेट चैनल महिंद्रा गुरु पे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।